साल 2004 में आई शाहरुख खान की फिल्म स्वदेश में नजर आई ये ब्यूटीफुल एक्ट्रेस तो आपको जरूर याद होंगी, और होंगी भी क्यों नहीं। ये एक्ट्रेस फिल्म स्वदेश के बाद फिर किसी और फिल्म में नजर ही नहीं आई। इनका नाम है गायत्री जोशी। आपको बता दें कि एक्ट्रेस गायत्री जोशी ने 1999 में फेमिना मिस इंडिया कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया था, जहां उन्होंने 5 फाइनलिस्ट में अपनी जगह बनाई थी। इसके बाद उन्होंने मिस इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन में जापान में इंडिया को रिप्रेजेंट किया था, जिसके बाद गायत्री को एड से लेकर म्यूजिक एल्बम के बड़े ऑफर्स भी आए और उन्होंने जमकर काम भी किया। और लगातार एड वर्ल्ड में काम करने के बाद गायत्री को शाहरुख खान के साथ डेब्यू करने का मौका मिला था। शाहरुख खान के साथ डेब्यू करने का मौका बहुत ही कम लोगों को मिलता है, जिसमें साल 2004 में गायत्री ने अपनी फिल्म स्वदेश से बॉलीवुड में कदम रखी और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एवरेज साबित हुई, और इसके बाद गायत्री को अपनी एक अलग पहचान मिल चुकी थी। इस फिल्म के हिट होते ही लोगों ने समझा था कि गायत्री अब बॉलीवुड में सभी को लगातार काम करते हुए नजर आएंगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इस फिल्म के लिए गायत्री को 4 बड़े अवार्ड्स भी मिले थे। ये चारों अवार्ड बेस्ट डेब्यू और बेस्ट न्यू कमर के अवार्ड्स थे, लेकिन इसके बाद गायत्री ने बॉलीवुड से दूरी बनाने के बारे में ही सोच लिया था। इसके बाद साल 2005 में गायत्री ने बिजनेसमैन विकास ओबेरॉय से शादी कर ली और बॉलीवुड छोड़ने का फैसला ले लिया। गायत्री के पति विकास ओबेरॉय रियलिटी के चेयरमैन डायरेक्टर हैं, और शादी के बाद आज इस जोड़ी के 2 बच्चे हैं और गायत्री अब अपने घर और फैमिली में ही बिजी रहती हैं। बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज, गॉसिप, फिल्म रिव्यूज, सॉन्ग रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रेजी फॉर बॉलीवुड को। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि हमारे चैनल पे आई कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाएं।